नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहां पे हम लोग यहां पे निफ्टी बैंक में जितने भी स्टॉक्स शामिल हैं उसके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स कहाँ पर खड़ा है, किस लेवल पर खड़ा है, किस सपोर्ट पर खड़ा है, रेजिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है, और वो क्या पोजीशन आगे हम लोग उसमें बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, अगर आप वीडियो पसंद आता है तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। और कमेंट अगर डिसलाइक भी करते हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, अगर डिसलाइक भी करते हैं तो कम से कम कमेंट में उसका रीज़न बता दीजिए कि क्या आपको पसंद नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसे ठीक करने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी बैंक में जो स्टॉक शामिल है मैंने सीधा सीधे यहाँ निफ्टी बैंक का वॉच लिस्ट खोल लिया है, उसमें पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा एक्सिस बैंक का। देखिए, एक्सिस बैंक ने तो आज गजब का मूवमेंट दिया, वो 6 से 6.5% का मूवमेंट दिया और अपना जितना भी इसका रेजिस्टेंस था पिछला उसको सारा तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के उसके ऊपर क्लोज किया। तो ये भी फिलहाल अच्छे मूव में, बस इसका एक बार वॉल्यूम इसके साथ है, वॉल्यूम भी इसने अच्छा खासा जनरेट किया, तो कोई दिक्कत वाली अभी बात नहीं है। टारगेट हो सकता है इसका अगला 620 रुपये का, अगर इसी मूवमेंट में आज के हाई के ऊपर अगर कल ट्रेड कर गया और कुछ देर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो बिल्कुल 620 का ये लेवल हम लोगों को दिखा सकता है एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक ने 200 DMA के ऊपर भी क्लोज किया है विथ हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा लेवल है 620 का, अगर ये कल के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है इंट्राडे में तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, देखिए बिल्कुल सपोर्ट पर आया पिछला और वहीं से ये सस्टेन किया है, लेकिन हमारे लिए बुलिश ये कब होगा, हमारे लिए नया पोजीशन कब मरनेगा, जब ये 105 के ऊपर क्लोज करेगा। फेडरल बैंक, ठीक है, देखिए फेडरल बैंक आ गया अपना रेजिस्टेंस लेवल पे, अब इसको ये ब्रेक कर सकता है, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट पे, छोटे पैटर्न पे अगर देखें, और अगर इसको हम लोग ये डेली चार्ट है, आप डेली चार्ट पे देखिए अच्छा पैटर्न बना रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है 75 रुपये को तो फिर हमारा लिए इसमें बुलिश हो जाएगा और ये बन जाएगा 80 के टारगेट के लिए, हम लोग उसमें लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। एक्सिस बैंक भी अच्छे मूड में है, लेकिन तब तक ये और अच्छा मूड हो जाएगा जब ये अगर ये 980 के ऊपर एक बार क्लोजिंग कर दे, अगर ये 980 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर हमारा टारगेट खुल जाएगा दोस्तों 2000 के लिए या 2050 के लिए, लेकिन अगर ये 1980 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो हम लोग इसमें कोई नया पोजिशन नहीं बनाएंगे। हाँ, नीचे 1920 को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कर देंगे 1900 के टारगेट के लिए और 1880 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक, सारे बैंकिंग सेक्टर में आज आग लगी हुई थी, बैंकिंग सेक्टर में ही बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल, ये 320 का इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसको इसने ब्रेक कर दिया है ICICI बैंक ने। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं है, पर ब्रेक कर दिया है अपने रेजिस्टेंस 320 को, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए इसका अगला रेजिस्टेंस आता है 330 और 340 का, तो अगर आपने लॉन्ग पोजिशन बनाया तो बिल्कुल बने रहिए 310 के स्टॉप लॉस के साथ 340 और 350 के टारगेट के लिए, ठीक है। IDFC बैंक हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों, इसे तो ऐसे मैं ट्रैक नहीं करता पर मैं चलिए देख लेता हूँ IDFC बैंक को, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, यही इसका रेजिस्टेंस, इसके ऊपर एक बार क्लोज हो जाए 36 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमारा अगला टारगेट आ जाएगा 38 रुपये का। इंडसइंड बैंक हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों, इंडसइंड बैंक का, ठीक है, इंडसइंड बैंक को क्लोज करने दीजिए कम से कम हमारे लिए 1680 पर, एक बार ये 1680 के ऊपर क्लोज कर जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें 1750 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों कोटक बैंक, बहुत अच्छा कोटक बैंक अभी चल रहा है, और भी मैं दिखा दूँ ये फिर से वो पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक उम्मीद करता हूँ, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है लेकिन चलिए अगर ये ब्रेक कर देता है इस पैटर्न को 1150 को ब्रेक करके क्लोज कर देता है उसके ऊपर तो टारगेट हमारा 1170 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 1200 रुपये का कोटक बैंक में। PNB में ट्रैक नहीं करता, RBL बैंक को देखेंगे, देखिए RBL बैंक बहुत ही अच्छा 200 DMA को एक ही दिन में इसने क्लेम कर दिया, मतलब इसने लगभग 7% का 7% का इसने मूवमेंट दिया आज एक ही दिन में, बस दिक्कत है कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल 200 DMA का आ रहा था 536 रुपये का उसको इसने ब्रेक नहीं किया, अगर ये क्लोज कर टच किया ट्रेड किया उसके ऊपर कुछ देर, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता तो फिर ये और अच्छी बात होती और हमारा टारगेट अगला बन जाता 560 का, लेकिन उसने उसको क्लोज नहीं किया, एक बार क्लोज कर लेने दीजिए इसको 536 के ऊपर 37 के ऊपर, फिर हम लोग इसमें नया पोजीशन बनाएंगे 560 के टारगेट के लिए।
SBI, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में सारे में आग लगी थी, तो ये भी आज चल रहा था, बहुत अच्छे चल रहा था। और लेकिन बुलिश हमारे लिए तब होगा जब ये 290 को क्लोज करेगा। अभी हमारे लिए इसमें कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, बीच बीच में ये बाउंस बैक आता है, एक रेंज में है। इस रेंज को ऊपर या नीचे किसी तरफ तोड़े तब हम लोग कोई नया पोजिशन लॉन्ग का बनाएंगे या शॉर्ट का बनाएंगे, बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। अगला और अंतिम स्टॉक है दोस्तों यस बैंक का। देखिए यस बैंक जैसे DHFL गिरा था वैसे यस बैंक भी गिरा था, फिर लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास फिर से दोबारा आ गया, तो इसको एक बार क्लोज कर लेने दीजिए इसके ऊपर, यानी कि 240 के ऊपर एक बार ये क्लोज कर जाए बढ़िया से अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम लोग इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी ये फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक में शामिल स्टॉक की एनालिसिस। अगर आप लोग को एनालिसिस पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।